हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय पांच लोकवित्त। अध्याय पांच लोकवित्त जिसके अंतर्गत हम देखेंगे आपके बजट 2019-20, बजट 2019-20 यानी पिछले साल के बजट पर हम चर्चा करेंगे। ध्यान समझिएगा, इस साल जो बजट पेश किया गया था ये था आपका बजट 2020-21, लेकिन हम इस आपके इकोनॉमिक सर्वे के अध्याय पांच के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं आपका बजट 2019-20 यानी पिछले साल का बजट। ये जो आपका बजट 2019-20 जब पिछले साल पेश किया गया था तो इस बजट में आपके अनुमानित आंकड़े बताए गए थे, और यही बजट जब आपके इस साल आर्थिक सर्वेक्षण में इसी बजट का आपका संशोधित आंकड़ा पेश किया गया है। ठीक है, जब कभी बजट पेश होता है तो उसके अनुमानित आंकड़े पेश किए जाते हैं और नेक्स्ट ईयर इकोनॉमिक सर्वे में उसके संशोधित आंकड़े आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपके बजट 2019-20 पर चर्चा करने वाले हैं। ध्यान समझिएगा, बजट 2019-20, बजट क्या होता है? किसी भी आय और व्यय के लेखा जोखा को बजट कहते हैं। आय और व्यय के लेखा जोखा को बजट कहा जाता है। अब अगर आप अपने डेली लाइफ में भी अगर आपके आय और व्यय का लेखा जोखा रखेंगे तो वो भी एक प्रकार का बजट होता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, आय और व्यय के लेखा जोखा को आपका बजट कहते हैं। आय जिसे प्राप्तियां भी कहा जाता है, आय कहिए या प्राप्तियां कहिए, दोनों एक ही है और एक है व्यय, तो आय और व्यय के लेखा जोखा को बजट कहते हैं। ध्यान समझते हो चलिएगा, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको तीन कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी है जिसको आपको समझा रहा हूं, उसको ध्यान समझिएगा। पूरा का पूरा खेल इस तीन टर्म के ही है। देखिए, एक होता है आपका वित्तीय देनदारियां, वित्तीय देनदारियां, एक होता है परिसंपत्ति यानी एसेट्स परिसंपत्ति, और एक होता है आपका उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति, उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति। ध्यान समझते हुए चलिएगा, वित्तीय देनदारियां, वित्तीय देनदारियां का मतलब पैसों का लेन देन। ठीक है, वित्तीय देनदारियां को मतलब पैसों का लेन देन। आपका परिसंपत्ति, परिसंपत्ति यानी एसेट्स, इसे समझ लीजिए एक प्रकार की संपत्ति या प्रॉपर्टी। ठीक है, उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति, उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति मतलब, इसे समझिएगा, परिसंपत्ति मतलब मान लीजिए आपके पास एक जमीन है, एक लैंड एरिया है, तो वो कहलाएगी आपकी परिसंपत्ति। उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति मतलब आपने अपनी उस परिसंपत्ति पे एक बिल्डिंग बना दिया, एक बिल्डिंग बना करके उसमें से उसमें आपने 10-15 कमरे बना दिए और सारे के सारे कमरे को आपने रेंट पे यानी किराए पे चढ़ा दिया। अब हर महीने आपका उस परिसंपत्ति से यानी कि जो आपने बिल्डिंग बनाया उससे हर महीने आपको इनकम हो रहा है। ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट का इनकम हो रहा है तो यह कहलाएगा आपका उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति। ठीक है, तो क्या क्या है? एक है आपका वित्तीय देनदारियां, दूसरी है परिसंपत्ति और तीसरी है उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति। ठीक है, ध्यान समझते हो चलिएगा, एक होता है ये जो आपका आय और ये जो प्राप्तियां हैं इसे फिर ये दो भागों में बढ़ता है, एक है राजस्व आय, एक है पूंजीगत आय। ठीक है, राजस्व आय पूंजीगत आय, वैसे ही व्यय दो भागों में बढ़ता है, राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय। देखिए, सबसे पहले आय को समझिए, राजस्व आय और पूंजीगत आय जो डेफिनेशन बता रहा हूं उसे समझिएगा। डेफिनेशन, राजस्व आय ऐसा सार्वजनिक आय, ऐसा सार्वजनिक आय जिससे किसी भी प्रकार की वित्तीय देनदारियों में न तो वृद्धि होती है ना ही परिसंपत्तियों में कमी होती है। ऐसा राजस्व आय जिससे किसी भी प्रकार की वित्तीय देनदारियों में न तो वृद्धि होती है और ना ही परिसंपत्तियों में कमी होती है कहलाता है आपका राजस्व आय। ठीक, देखिए इसे एग्जांपल समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए आप जब छोटे थे तो आपके घर में अगर कोई मेहमान आते थे तो मेहमान जब आपके घर में आते थे और घर से जब वो वापस जाते हैं तो जाने से पहले वो आपको कुछ ना कुछ पैसा देके जाते थे, उस पैसे को आपने अपने जेब में रख लिया तो वो कहलाया आपका आय। ठीक है, राजस्व आय, देखिए डेफिनेशन क्या है, ऐसा सार्वजनिक आय जिससे न तो किसी भी प्रकार के वित्तीय देनदारियों में वृद्धि होती है और ना ही परिसंपत्तियों में कमी होती है। वित्तीय देनदारियों में वृद्धि मतलब, वित्तीय देनदारी मतलब पैसों का लेन देन, यानी कि वो जो मेहमान जो आकर के आपको पैसा दिए तो वो पैसे को आपने रखा तो ये पैसा को आपको वापस तो करना नहीं है, वो पैसा आपका हुआ तो वित्तीय देनदारियां वहीं समाप्त हो गई। तो किसी भी प्रकार की न तो वित्तीय देनदारियां होती है और ना ही परिसंपत्ति में कमी, परिसंपत्ति में कमी मतलब मेहमान जो आपके घर में आए थे उन्होंने आपको पैसा दिया तो पैसे के बदले आपको उन्हें कोई सामान देना पड़ा क्या? नहीं, तो इसमें किसी भी प्रकार की परिसंपत्तियों में कमी नहीं होती। तो ये होता है आपका राजस्व आय। देखिए नेक्स्ट है आपका पूंजीगत आय, पूंजीगत आय मतलब देखिए ऐसा सार्वजनिक आय जिससे वित्तीय देनदारियों में वृद्धि भी होती है और परिसंपत्तियों में कमी होती है। ऐसा सार्वजनिक आय जिससे वित्तीय देनदारियों में वृद्धि होती है और परिसंपत्तियों में कमी होती है। इसका एग्जांपल थोड़ा समझिएगा, जैसे आपका पूंजीगत आय, देखिए
मान लीजिए आप मार्केट में कोई सामान लेने के लिए गए, आप एक टीवी लेने के लिए ही गए मार्केट में, ठीक है। मार्केट में आप टीवी लेने के लिए गए, टीवी की कीमत है आपका 50,000 रुपये, लेकिन आपके जेब में है 40,000, ठीक है। आप गए हैं और आपके साथ एक आपका दोस्त भी गया है टीवी लेने के लिए, ठीक है। दोनों के दोनों आपका आप लोग टीवी लेने के लिए गए हैं, टीवी की कीमत बताई गई 50,000, लेकिन आपके जेब में है 40,000। आप क्या करोगे, अपने दोस्त से 10,000 रुपये उधार लोगे, ठीक है। 10,000 रुपये उधार लेकर के अपने जेब में रख लोगे, तो अब आपके जेब में कितनी, आपके जेब में कितना अमाउंट हो गया, 50,000। तो ये क्या है, ये भी एक प्रकार की आपकी आय है, आपके जेब में जो पैसा है वो आय है, ठीक। देखिए, लेकिन आपने जो पैसा क्या किया है, आपने पैसा लिया है उधार, ठीक है, आपने पैसा उधार लिया है, और साथ ही साथ आपने इस शर्त पे उधार लिया है कि बाद में मैं तुझे ये पैसा लौटा दूंगा कुछ ब्याज के साथ, 10% ब्याज के साथ मैं तुझे कुछ समय में ये पैसा लौटा दूंगा। तो देखिए, इससे क्या हो रहा है, वित्तीय देनदारियों में वृद्धि हो रही है। वित्तीय देनदारियों में वृद्धि मतलब ये जो पैसा आपको मिला है वो पैसा आपको लौटाना है, साथ ही साथ परिसंपत्तियों में कमी, परिसंपत्तियों में कमी मतलब आपको ब्याज के साथ लौटाना है, यानी अपने जेब से भी कुछ पैसा उसे निकाल करके देना होगा इन फ्यूचर। तो ये कहलाता है आपका पूंजीगत आय, ठीक है। तो ये होता है आपका राजस्व आय और पूंजीगत आय। देखिए, ध्यान समझिएगा, एक होता है व्यय, जिसमें है आपका राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, देखिए, ऐसा सार्वजनिक व्यय जिसमें किसी भी प्रकार की उत्पादन कोटि की परिसंपत्तियों का सृजन नहीं होता, ऐसा राजस्व व्यय जिसमें किसी भी प्रकार की उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता, वो कहलाता है आपका राजस्व व्यय। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो आपकी सरकार जो योजनाएं चलाती है, जैसे आपका वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री पेंशन योजना, आपका विधवा पेंशन योजना, तो इसके अंतर्गत जो सरकार आपकी ये सब योजना चला रही है, तो इस योजना के अंतर्गत सरकार जो पैसा देती है, ठीक है, सरकार जो पैसा देती है, इसमें किसी प्रकार की परिसंपत्ति का सृजन हो रहा है क्या? नहीं। लेकिन सरकार योजनाएं चला रही है, सरकार के जेब से पैसा जा रहा है, लेकिन किसी प्रकार की परिसंपत्ति का सृजन यानी परिसंपत्ति का निर्माण नहीं हो रहा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय मतलब ऐसा सार्वजनिक व्यय जिससे किसी भी प्रकार के आपके उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का सृजन हो, ठीक है, ऐसा सार्वजनिक व्यय जिससे किसी प्रकार के उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का सृजन हो। फॉर एग्जांपल, आपका मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र जांजगीर चांपा, सरकार के द्वारा मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र का आपका निर्माण किया गया, ठीक है, यानी एक परिसंपत्ति का सृजन हुआ। उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का सृजन मतलब मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र से अब आपका बिजली का उत्पादन किया जाएगा और उस बिजली को अभी तेलंगाना राज्य को बेचा जा रहा है, तो इससे सरकार को इनकम हो रही है, तो यह होती है आपके उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति, ठीक है। देखिए, प्राप्तियां, अब सबसे पहले प्राप्तियों को देख लीजिए। प्राप्तियां, एक है आपका राजस्व आय, एक है आपका पूंजीगत आय। देखिए, राजस्व आय, सरकार को जो आपका वर्ष 2019-20 में सरकार को आपका 79,746 करोड़, ठीक है, 79,746 करोड़, यानी 79,746 करोड़ रुपए आपके राजस्व आय की प्राप्ति हुई या राजस्व प्राप्तियां हुई, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में आपका 7.72% अधिक है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 7.72% अधिक है। देखिए, ये राजस्व आय है, ये दो प्रकार से होता है, एक होता है कर राजस्व, दूसरा होता है गैर कर राजस्व। कर राजस्व और गैर कर राजस्व, देखिए, ये जो कर राजस्व है, यानी जो सरकार को जो आपकी राजस्व की जो प्राप्तियां हैं, जो टैक्स के माध्यम से होती है, ठीक है, सरकार को जो राजस्व की जो प्राप्ति हो रही है, जो सरकार को जो इनकम हो रही है, अगर वो टैक्स के माध्यम से, कर के माध्यम से अगर सरकार को इनकम हो रही है, तो वो कहलाएगा आपका कर राजस्व। गैर कर राजस्व, कर के अलावा अन्य माध्यम से अगर सरकार को इनकम हो रही है, तो वो कहलाएगा आपका गैर कर राजस्व, ठीक है। ध्यान समझिएगा, ये जो आपका 79,746 करोड़ है, तो उसमें से आपका 50,847 करोड़ सरकार को कर राजस्व के रूप में, यानी टैक्स के कलेक्शन से सरकार को इनकम होती है, ठीक है। बाकी आपका 28,899 करोड़ रुपए गैर कर राजस्व के माध्यम से, यानी करों के अलावा अन्य माध्यम से सरकार को इनकम होती है। तो देखिए, ये जो आपका 79,746 करोड़ है, उसमें से आपका लगभग 50 करोड़ के आसपास सरकार को आपके कर राजस्व यानी टैक्स के माध्यम से इनकम हो रहा है, जबकि 28,899 करोड़ रुपए जो है वो आपके गैर कर राजस्व यानी टैक्स के अलावा अन्य माध्यमों से इनकम होता है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, अगर आप देखेंगे तो दोनों आंकड़े में से सबसे बड़ा आंकड़ा कौन सा है, कर राजस्व का, यानी सरकार को जो राजस्व आय होता है, यानी कि जो राजस्व की जो प्राप्तियां होती है, उसमें से सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो कर राजस्व का है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, इन राजस्व प्राप्ति में या राजस्व आय में सब सर्वाधिक भागीदारी रहती है आपके कर राजस्व की, इस साल ये रही आपकी 63.76%
ठीक है 63.76% की भागीदारी रही आपके इस कर राजस्व की राजस्व प्राप्तियों में, ठीक है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 9.55%, ठीक, पिछले वर्ष की तुलना में ये आपके 9.55% ज़्यादा है। इसे ध्यान से याद कीजिएगा, देखिए ये परसेंटेज पूछता है ये वाला, ठीक है, आपका पूछेगा कि आपका वित्तीय वर्ष 2019-20 में जो आपके राजस्व प्राप्ति है, राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व की भागीदारी कितने प्रतिशत थी, तो ध्यान दीजिएगा ये थी आपके 63.76%, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस कर राजस्व में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 9.55% की वृद्धि दर्ज की गई। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो कर राजस्व है ये सरकार को टैक्स के माध्यम से जो इनकम होता है वो है, जैसे सरकार के द्वारा आपका लिया जाता है आपका निगम कर यानी कॉर्पोरेटिव टैक्स, आयकर यानी इनकम टैक्स, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, ठीक, भू राजस्व कर, बिक्री कर, चुंगी कर, विद्युत कर, तो ये सब टैक्स के माध्यम से आपका सरकार को जो इनकम होता है ये कहलाता है कर राजस्व, ठीक है। इसका और भी आगे कॉन्सेप्ट है, एक होता है अप्रत्यक्ष कर, एक होता है प्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे टैक्स को कहा जाता है या ऐसे कर को कहा जाता है अप्रत्यक्ष कर जो कि लगाती तो केंद्र सरकार है लेकिन वसूलती राज्य सरकार है, ठीक है, लगाती केंद्र सरकार है और वसूलती राज्य सरकार है, जैसे कि कॉर्पोरेटिव टैक्स, इनकम टैक्स, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, ये सभी के सभी आपके इनडायरेक्ट टैक्स है। और एक होता है डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर, ऐसे ऐसे टैक्स या ऐसे कर जिसे लगाती राज्य सरकार है और वसूलने का अधिकार भी राज्य सरकार को है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आगे अगर हम और इसे क्लासिफाइड करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमारे लिए केवल इतना डाटा इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका गैर कर राजस्व। गैर कर राजस्व जो कि इस साल मतलब आपके वित्तीय वर्ष 2019-20 में रहा आपका 28,899 करोड़ रुपए। देखिए इस गैर कर राजस्व जो कि सरकार को टैक्स के अलावा अन्य माध्यमों से जो आपके इनकम यानी कि आय होती है, जैसे निवेशों से प्राप्त लाभांश, निवेशों से प्राप्त लाभांश, फॉर एग्जाम्पल जैसे मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र, ठीक है, सरकार ने मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण किया यानी कि उसका उसमें निवेश करके उस ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण किया, ठीक, तो उसका निर्माण किया, अब निर्माण करने के पश्चात उसमें आपके विद्युत का उत्पादन हो रहा है यानी बिजली का उत्पादन हो रहा है, अब उस बिजली को जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो तेलंगाना सरकार को बेच रही है, तेलंगाना राज्य को वो बिजली बेच रही है, तो क्या हो रहा है, निवेशों से प्राप्त लाभांश यानी सरकार ने जो निवेश किया था अब उससे जो लाभांश मिल रहा है वो सरकार के खजाने में आ रहा है, तो ये होता है आपके निवेशों से प्राप्त लाभांश, ठीक। उसके अलावा ब्याज प्राप्तियां, ब्याज प्राप्तियां यानी सरकार जो आपके ऋण देती है, किसानों को ऋण देती है, रोजगार के लिए जो ऋण देती है, तो एक पर्टिकुलर एक आपके परसेंटेज पर जो आपके ऋण उपलब्ध कराती है, तो उस ऋण से जो आपका ब्याज मिलता है तो ब्याज का पैसा भी सरकार के खजाने में जाता है, तो वो भी आपके गैर कर राजस्व के अंतर्गत आता है। वैसे ही अनुदान, अनुदान जो कि विदेशों से और अंतर्राष्ट्रीय संस्था से मिलता है, विदेशों से और अंतर्राष्ट्रीय संस्था से मतलब जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक के माध्यम से, वर्ल्ड बैंक जो कि छत्तीसगढ़ में आपके कुपोषण अभियान में आपका पैसा इन्वेस्ट पैसा मतलब यहां पे लगाती है, ठीक है, तो उनके द्वारा जो आपका अनुदान दिया जाता है वो भी सरकार के खजाने में आता है, तो वो भी गैर कर राजस्व के अंतर्गत आएगा। उसके अलावा केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान, केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान यानी जो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार को जो केंद्र सरकार जो अनुदान देती है, देखिए एक होता है अनुदान और एक होता है ऋण, अनुदान और ऋण दोनों में अंतर है। अनुदान यानी अनुदान ऐसा पैसा, ऐसा पैसा, एक ऐसा पैसा जो आपको दिया जाता है और उस पैसे के उस पैसे को आपको लौटाना नहीं है, तो वो कहलाता है अनुदान। एक ऐसा पैसा जो आपको दिया जाता है और इन फ्यूचर आपको ब्याज के साथ लौटाना है, तो वो कहलाएगा आपका ऋण, ठीक है, ध्यान समझिएगा। देखिए अनुदान और ऋण में क्या अंतर होता है, एक ऐसा पर्टिकुलर अमाउंट जैसे केंद्र सरकार राज्य सरकार को अगर एक पैसा दे रही है अनुदान के रूप में, अनुदान के रूप में पैसा दे रही है, तो वो पैसा छत्तीसगढ़ सरकार को कभी भी आपके केंद्र सरकार को लौटाना नहीं पड़ेगा, वो छत्तीसगढ़ सरकार का हो गया। ऋण क्या होता है, अगर केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ सरकार को ऋण दे रही है तो इन फ्यूचर ये ऋण का पैसा केंद्र सरकार को वापस करना पड़ेगा ब्याज के साथ, ठीक है, तो ब्याज और ऋण में अंतर होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका केंद्रीय अनुदान। और ध्यान से समझिएगा, इस गैर कर राजस्व में, गैर कर राजस्व में जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो इसी केंद्रीय अनुदान का होता है, गैर कर राजस्व में जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो इसी केंद्रीय अनुदान का होता है। इस 28,899 करोड़ रुपए में से सर्वाधिक भागीदारी आपके केंद्रीय अनुदान की है, जो कि है आपके 69.46%, लगभग 70%, ठीक है, 69.46% की जो भागीदारी है वो आपके केंद्रीय अनुदान की रहती है, ठीक है, अनुदान मतलब ग्रांट। देखिए
जैसे कि मैंने बताया, ये हो गया कर राजस्व, ये हो गया गैर कर राजस्व। अब है आपका पूंजीगत आय। पूंजीगत आय मतलब उधार या ऋण। इसका अगर हम एग्जांपल लेंगे, देखिए इस साल जो आपके छत्तीसगढ़ सरकार को यानी वित्तीय वर्ष 2019-20 में जो सरकार को जो पूंजीगत आय की प्राप्ति हुई वो थी आपकी 11,796 करोड़। देखिए इस पूंजीगत आय का अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो ये रहता है आपका उधार या ऋण। उधार या ऋण, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे छत्तीसगढ़ सरकार जो है किसानों का ऋण माफ कर रही है, कर्ज माफी की। कर्ज माफी करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को आरबीआई से लोन लेना पड़ा, ठीक है। आरबीआई से छत्तीसगढ़ सरकार को लोन लेना पड़ा। अब तक छत्तीसगढ़ सरकार लगभग 7 बार आपका लोन ले चुकी है आरबीआई से। अब ये जो लोन का जो पैसा है ये भी छत्तीसगढ़ सरकार के जेब में आया। छत्तीसगढ़ जो लोन का पैसा जो आरबीआई दिया वो भी छत्तीसगढ़ सरकार के खजाने में जमा हो रहा है, तो ये कहलाएगा आपका पूंजीगत आय, ठीक है। पूंजीगत आय, भले ये पैसा बाद में आरबीआई को लौटाना पड़ेगा लेकिन फिलहाल ये पैसा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के खजाने में आया तो ये कहलाएगा आपका पूंजीगत आय, ठीक है। पूंजीगत आय जिससे वित्तीय देनदारियों में वृद्धि भी हो रही है और परिसंपत्तियों में कमी। परिसंपत्तियों में कमी मतलब ये ऋण का पैसा जब लौटाया जाएगा तब ब्याज भी देना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका व्यय। व्यय जिसमें है आपका राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय, इस साल जो आपका राजस्व व्यय है वो है आपका 78,594 करोड़ रुपए। देखिए 78,594 करोड़ रुपए आपका राजस्व व्यय हुआ, ठीक। एक होता है पूंजीगत व्यय जो कि रहा आपका 12,109 करोड़ रुपए, ठीक है, 12,109 करोड़ रुपए। देखिए ये जो राजस्व व्यय है इसे फिर से दो भाग में बांटा जाता है, एक है योजनागत व्यय और एक है गैर योजनागत व्यय। योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय, नाम से ही स्पष्ट है, योजनागत यानी ऐसा व्यय, ऐसा सार्वजनिक व्यय जिसे सरकार योजना करके उसे खर्च कर रही है। योजना करके खर्च कर रही है मतलब छत्तीसगढ़ सरकार को पता है कि इस पर्टिकुलर जगह पे छत्तीसगढ़ सरकार का इतना इतना पैसा लगने वाला है, ठीक है। देखिए योजनागत व्यय का मतलब छत्तीसगढ़ सरकार को पता रहता है कि पर्टिकुलर एक लक्ष्य, एक टारगेट निर्धारित करके चलती है कि छत्तीसगढ़ सरकार को इन क्षेत्रों में एक पर्टिकुलर इतना इतना अमाउंट उसे छत्तीसगढ़ सरकार को व्यय करना है। वैसे ही गैर योजनागत व्यय, गैर योजनागत व्यय मतलब ऐसा व्यय जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार को पता ही नहीं रहता कि वहां पे कितना खर्च होगा, ठीक है, वहां पे कितना खर्च होगा। फॉर एग्जांपल ध्यान समझिएगा, योजनागत व्यय इसका अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो इसमें है आपका सार्वजनिक योजनाएं, ऊर्जा, परिवहन, साक्षरता, गरीबी उन्मूलन। सार्वजनिक योजनाएं जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे प्रदेश में आपकी बहुत सारी योजनाएं चलती है, जैसे विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री पेंशन योजना, ठीक, मुख्यमंत्री पेंशन योजना हो गया, उसके अलावा आपका इंदिरा गांधी पेंशन योजना हो गया, ठीक है, आपका मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना या कन्यादान योजना। तो ये सारी योजनाओं के अंतर्गत जो है एक लक्षित वर्ग रहते हैं, सभी के अंतर्गत पंजीकृत सदस्य रहते हैं, पंजीकृत लोग रहते हैं। तो सरकार को मालूम है कि हर एक योजना के अंतर्गत कितने कितने पंजीकृत लोग हैं तो उनके ऊपर कितना व्यय होने वाला है। योजनागत व्यय यानी सरकार को मालूम है कि इन क्षेत्रों में कितने लक्षित वर्गों के ऊपर कितना व्यय होगा, ठीक है। तो जैसे सार्वजनिक योजनाएं, ऊर्जा, परिवहन, साक्षरता, गरीबी उन्मूलन, तो ये सारे क्षेत्र में जो व्यय होता है ये योजनागत व्यय होता है। इसमें सरकार को पता होता है कि उनका व्यय किस क्षेत्र में होगा और किस क्षेत्र में कितना व्यय होगा। वैसे ही गैर योजनागत व्यय, गैर योजनागत व्यय मतलब ऐसा व्यय जिसमें सरकार को पता ही नहीं होता कि वहां पे कितना व्यय होगा लेकिन व्यय तो करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे ब्याज अदायगी, ब्याज अदायगी का मतलब जो छत्तीसगढ़ सरकार, जैसे समझ लीजिए आपके आरबीआई से आपका उसने ऋण लिया, लोन लिया है, ठीक है, तो लोन लिया है तो लोन के बदले में अब उसे उस लोन का ब्याज देना पड़ेगा। और आरबीआई का जो आपका ब्याज है वो हर साल चेंज होते रहता है, फ्लक्चुएट होते रहता है, कई बार बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, तो ये निर्धारित नहीं रहता तो के कारण क्या है, ब्याज अदायगी भी निर्धारित नहीं रहती, ठीक है। आरबीआई के परसेंटेज मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ही आपका सब्सिडी का मतलब जैसे कि आपको सिलेंडरों में सब्सिडी मिलता है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 200 रुपए के अंशदान पर आपका गैस सिलेंडर दिया जाता है, ठीक है, जिसमें से 200 रुपए अंशदान रहता है लेकिन बाकी 1530 रुपए जो है वो सरकार को वहन करना पड़ता है। तो ये जो आपका सब्सिडी दी जाती है उसमें भी निर्धारित नहीं रहता, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आपके हर साल जो है लक्षित वर्गों का टारगेट बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये है सब्सिडी। प्रतिरक्षा जैसे आपके डिफेंस सेक्टर इन द सेंस, जैसे अभी आपका भारत चीन विवाद चल रहा है, वहाँ पे एकदम सडनली आपका आर्मी फोर्स को वहाँ पे भेजना पड़ा। अब वहाँ पे आर्मी फोर्स को भेज रहे हैं तो उनके रहने का, उनके खाने का, पीने का, वहाँ पे जो आपके इक्विपमेंट्स भेजा ले जा रहे हैं तो उनके ट्रांसपोर्टिंग का, ये सारा खर्चा प्रतिरक्षा। ये पहले से तो आपको मालूम, सरकार को मालूम नहीं था कि भारत चीन के मध्य विवाद चालू हो जाएगा। मैं ये केंद्र सरकार के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ, राज्य सरकार का ये प्रतिरक्षा से कोई लेना देना
नहीं है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। वैसे ही आपका आपातकालीन सेवाएं, आपातकालीन सेवाएं मतलब जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस आ जाएगा किसी को पता नहीं था, इसकी तो सरकार पहले से योजना बना करके रख नहीं सकती थी, ये गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत है। तो ये जो आपका अचानक से जो आपका कोरोना वायरस का जो संक्रमण फैला है, ये आपका आपातकालीन सेवाएं हैं। तो ये सारे जो क्षेत्र में जो व्यय होता है, ये आपका गैर योजनागत होता है, ठीक है, गैर योजनागत व्यय होता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं है, ठीक है, और गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत हमारे जो प्रदेश सरकार का जो सर्वाधिक व्यय आपका ब्याज अदायगी में होता है, ठीक है। अगर स्टेट गवर्नमेंट की हम बात करें तो हमारे प्रदेश के जो आपके प्रदेश सरकार के द्वारा जो आपके गैर योजनागत व्यय में जो सर्वाधिक व्यय होता है वो आपके ब्याज अदायगी में, यानी जो आपके ऋण भुगतान में, सॉरी ऋण का ब्याज देने में, ऋण का ब्याज देने में सर्वाधिक व्यय होता है इस गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत। और इन सबको भी याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है कि गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक शामिल नहीं है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है आपका पूंजीगत व्यय, जो कि आपका वर्ष 2019-20 में रहा आपका 12,109 करोड़ रुपए, ठीक है। अगर हम इसका एग्जांपल ले तो निवेश या शेयर या आपका भूमि अधिग्रहण, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका अगर हम डेफिनेशन लेंगे तो ऐसा सार्वजनिक व्यय जिससे उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का सृजन होता है। उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने दिया था, आपके पास एक लैंड एरिया है, वो परिसंपत्ति है, बिल्डिंग बना करके उसे रेंट पर चढ़ा दिया और उससे एक इनकम, एक आय जनरेट हो रहा है, एक इनकम जनरेट हो रहा है, तो वो कहलाएगा उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति। वैसे ही हमारी छत्तीसगढ़ सरकार जिसने मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र, देखिए अभी ये मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र जो है ये विवादों में है, अभी ये प्लांट शुरू हुआ ही नहीं है, और मतलब इसके जो दो यूनिट है, दो में से एक यूनिट काफी समय से बंद पड़ा है, और जो आपका जो यूनिट चालू है वो आपके तेलंगाना सरकार को अभी बिजली बेच रही है, लेकिन आपका तेलंगाना सरकार उसका पैसा दे ही नहीं रही छत्तीसगढ़ सरकार को। तो फिलहाल ये विवादों को साइड में रखिएगा, ये मत बोलिएगा कि मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र बंद पड़ा है करके। देखिए मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र पर सरकार ने निवेश किया था, क्यों किया था, देखिए ये जो आपका मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र जो छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाया था बिजली उत्पादन, विद्युत उत्पादन के लिए बनाया था। तो मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया, इससे विद्युत का उत्पादन भी हुआ, और इससे बनने वाला जो आपका विद्युत या जो बिजली है उसे तेलंगाना सरकार को बेचा गया। तो सरकार ने क्या किया, निवेश किया, कैसा निवेश, उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति वाला निवेश, उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का निर्माण किया। मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति है, ठीक है। तो ये जो उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति है, इसे जो बिजली बेचा जा रहा है, जो विद्युत बेचा जा रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी सेल की जा रही है, उससे एक इनकम जनरेट हो रहा है छत्तीसगढ़ सरकार के, आपके खजाने में पैसा आ रहा है। तो यह है आपका पूंजीगत व्यय, जिससे उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का सृजन होता है, ठीक है। तो इसको, ये सारे के सारे चीज को समझते हुए चलिएगा, इसमें से इसको याद रखिएगा, ठीक है, ये परसेंटेज याद रखिएगा, ये डाटा याद रखिएगा, इधर से इस परसेंटेज को याद रखिएगा, या आपके राजस्व आय वाले को याद रखिएगा, ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, वित्तीय वर्ष 2019-20 जिसमें आपकी राजस्व प्राप्तियां रही आपकी 79,746 करोड़ रुपए, ठीक है, 79,746 करोड़ रुपए, जबकि राजस्व व्यय रहा आपका 78,594 करोड़ रुपए। अगर हम दोनों को अगर घटाएंगे तो होता है आपका, देखिए यहां हो रहा है आपका 1151 करोड़ रुपए जो कि है प्लस में, तो ये कहलाएगा आपका राजस्व आधिक्य, ठीक है, प्लस में है तो ये कहलाएगा आपका राजस्व आधिक्य। अगर ये माइनस में चले जाते तो वो कहलाता आपका राजस्व घाटा, क्योंकि ये प्लस में है तो ये है आपका राजस्व आधिक्य। राजस्व प्राप्तियों में से राजस्व व्यय को घटाएंगे तो ये मिलता है आपका राजस्व आधिक्य, ठीक है, प्लस में है तो राजस्व आधिक्य। आपका 1,151 करोड़ रुपए, यानी कि 1,151 करोड़ रुपए आपका राजस्व आधिक्य प्लस में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करेंगे आपके कर राजस्व की, ठीक है, कर राजस्व की, ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ सरकार को सर्वाधिक जो इनकम जो जनरेट हो रहा है वो कर राजस्व यानी टैक्स के माध्यम से हो रहा है। तो टैक्स के माध्यम से हो रहा है तो हमारे प्रदेश में जो अलग अलग प्रकार के जो टैक्स लगे हैं, तो किस टैक्स से सर्वाधिक छत्तीसगढ़ सरकार को इनकम जनरेट हुआ, हम बात कर रहे हैं आपके वित्तीय वर्ष 2019-20 की, ध्यान समझिएगा। इस वित्तीय वर्ष 2019-20 में जो छत्तीसगढ़ सरकार को सर्वाधिक जो इनकम जनरेट हुआ, यानी सर्वाधिक जो आपके जो टैक्स रेवेन्यू, जो कर राजस्व की प्राप्ति, यहां बात क्या चीज की चल रही है, कर राजस्व, ठीक है, कर राजस्व की बात चल रही है। छत्तीसगढ़ सरकार को जो सर्वाधिक जो आपके कर राजस्व की प्राप्ति हुई, वो हुई आपके स्टेट जीएसटी, ठीक है, स्टेट जीएसटी
जीएसटी क्या होता है आपका, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंतर्गत जो एक सेंट्रल जीएसटी होता है, एक स्टेट जीएसटी होता है, तो स्टेट जीएसटी के अंतर्गत हमारे प्रदेश सरकार को कुल कर राजस्व का, ठीक है, कुल कर राजस्व का 36% जो हिस्सा है वो स्टेट जीएसटी के रूप में प्राप्त हुआ, ठीक है। वैसे ही सेकेंड नंबर पर है आपका एक्साइज ड्यूटी यानी कि उत्पाद कर, थर्ड नंबर पर है आपका, देखिए सेकेंड नंबर पर है एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद कर जो कि 22% रहा, जबकि बिक्री एवं व्यापार कर जो कि कुल आपके कर राजस्व का, कुल कर राजस्व का 16% रहा। वैसे ही बिजली कर जो कि कुल कर राजस्व का 9% रहा, 7% आपका वाहन कर रहा, जबकि अन्य छोटे मोटे कर मिलाकर के 10% का योगदान रहा, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, छत्तीसगढ़ कर राजस्व के प्रमुख स्रोत यही है, ठीक है, छत्तीसगढ़ कर राजस्व के प्रमुख स्रोत। अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो ध्यान दीजिए, स्टेट जीएसटी का सर्वाधिक कर राजस्व में सर्वाधिक योगदान किसका रहा स्टेट जीएसटी का वित्तीय वर्ष 2019-20 में, इस ईयर को याद रखिएगा, ठीक है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में जो सर्वाधिक जो हिस्सा रहा वो रहा आपका स्टेट जीएसटी का, सेकेंड नंबर पर रहा आपका राज्य उत्पाद कर का, और थर्ड नंबर पर रहा आपका बिक्री एवं व्यापार कर, ठीक है, स्टेट जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी और आपका बिक्री एवं व्यापार कर, ठीक। तो ये पूरे के पूरे डाटा को याद रखिएगा, ये पूरा डाटा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो क्वेश्चन घूमता है आपके ये राजस्व आय से, कर राजस्व से, कर राजस्व की भागीदारी, प्रतिशत वृद्धि, ठीक, गैर कर राजस्व के डाटा से प्रश्न पूछता है, योजना गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत कौन सा शामिल है, कौन सा शामिल नहीं है, इसके इर्द गिर्द थोड़ा प्रश्न घूमता है, तो इन सभी को याद रखिएगा। इससे डाटा वाले प्रश्न कम आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक। चलिए,